इस वक्त जो है हम अपनी लेसन स्टडी में करते हैं। वेल, आज हमारी लेसन स्टडी जो है, जैसे पूरे हम त्रिमास जो है वो यकूब की पत्री जो है वो सीख रहे हैं, आज हमारा पार्ट जो है वो आठवां है, जिसमें हम ये देखेंगे कैसे परमेश्वर जो है हलीमगी को पसंद करता है और कैसे यकूब जो है हलीमगी के बारे में जो है वो जिक्र करता है। आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो याद करने की आयत यकूब उसका 4:10 है। सो आज जो है हमारी याद करने की आयत यकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद। सभी मिलकर जो है इसे हिंदी में पढ़ेंगे। आपके पास क्वार्टरली है, आप क्वार्टरली से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने बाइबल को खोल सकते हैं। यकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितना ही खूबसूरत ये वचन है, एक बार फिर पढ़िए दोबारा से। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब क्या है? सबसे ऊंचा जो है आपको उठाएगा। बाइबल में कोई ऐसी जिक्र आता है जहां पर परमेश्वर ने किसी को ऊंचा उठाया हो या कहा हो कि rise up, lift up your eyes? कोई है बाइबल में ऐसा वचन जहां पे आया हो उठ, आंखें उठा? ओके, वेरी गुड। हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल गेट के सामने जो है एक लंगड़ा था और पतरस वहां पर आता है और उसे क्या कहता है? उठ, क्योंकि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो इसी समय क्या हो? उठ और चल फिर। वेरी गुड। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी जो है उठाया। ऑलराइट, क्या यीशु मसीह ने उठाया लोगों को? ऑलराइट, कैसे उठाया? मुर्दों को उठाया। ओके, वेरी गुड। और बीमार को उठाया और एक जो लंगड़ा था काफी समय से चल नहीं सकते थे उसको बोलो, उसको बोला कि क्या तू ठीक हो जाता है, जो उस जो बेसदा के पूरे, तो उसने उनको बोला कि मेरे बारी आने से पहले कोई और पूछ जाता और मैं ठीक नहीं हो पाता, तो बोला ठीक है तो तू ठीक हो जाता है, उसने कहा हाँ मैं ठीक हो जाता कुछ। ऑलराइट, सो यीशु मसीह ने हमेशा जो है वो कहा कि उठ, और जैसे ही उसने ये शब्द बोले कि उठ तो वो जो है उठ गया। पर यहाँ पर शब्द जो है इससे पहले कि वो ये कहे कि आपको शिरोमणि या आपको उठाएगा, आपको ऊंचे में लेकर जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले उसने एक कंडीशन रखी है। वो कंडीशन क्या है? Humble yourself in the sight of the Lord, परमेश्वर के सामने क्या हो जाओ? दीन हो जाओ। सो दीन होना, what do you mean by humble और humility? क्या समझते हैं दीन होना? दीन होने का अर्थ क्या है? कोई इंसान गरीब बन जाए, कोई इंसान फटे कपड़े डाल ले, कोई इंसान किसी के थप्पड़ मारे पे कुछ बोले ना। सो धन्य है वो जो मन के दीन है। ये हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने जो है ये वचन बोले और उसे कहा धन्य है वह जो मन के दीन है क्योंकि वह धरती के वारिस जो है वो होंगे। ऑलराइट, सो दीन शब्द में इतनी बड़ी आशीष है कि वो धरती के वारिस होंगे, और वो धरती सिर्फ इस जगह की धरती नहीं बल्कि आने वाली धरती जो स्वर्ग की बादशाह है, जो यहाँ पर टिकेगा, नया यरूशलम, नया आकाश, नई धरती जो यहाँ पर टिकेगी उसके भी जो है वो वारिस होंगे। पर इस ह्यूमिलिटी को या हम कह सकते हैं हम्बलनेस को या हलीमगी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिलिटी? ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी। ऑलराइट, वेरी गुड। सो हम देखते हैं कि नम्रता के विपरीत एक शब्द है और वो शब्द है घमंड या किसी तरह का गुरूर जो है वो करना। कोई भी ऐसा बाइबल में आपको शख्स याद हो जो घमंडी था? नबूकदनेस्सर राजा। वेरी गुड। सो नबूकदनेस्सर राजा हम देखते हैं कि वो घमंड में जो है वो आ गया। क्या उसका घमंड था? उसने कहा कि जितना भी अबिलोड़ा कितना सुंदर जो बादशाह है, ये मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाई इसको। ऑलराइट, सो बिल्कुल राइट। जब उसने बाबर को बनाया और एक दिन जो घूम रहा था, टहल रहा था, उसने बाबर को देखा, रेगिस्तान में उसने जो है हैंगिंग गार्डन बना दिए, और वो रेगिस्तान जो मिट्टी और रेत का था उसमें उसने फूल और बगीचे और पेड़ों को जब सजा दिया तो उसने घमंड किया कि क्या ये बाबुल मैंने नहीं बनाया। तो जब उसने घमंड किया तो क्या हुआ? उसे जानवर के रूप में
वो रहने लगा और जंगलों में जो है उसने अपना बसेरा किया. सो इसलिए हम देखते हैं कि जो ह्यूमिलिटी है या हलीम की है उसके विपरीत जो है घमंड है. और वो घमंड क्या दिखाता है, जब हम घमंड की परिभाषा यहाँ पे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि घमंड इस तरह से है कि जो परमेश्वर को कुछ नहीं जान रहा और सब कुछ अपने आप को जाने, यू नो, या सेल्फिशनेस, या अपने आप को प्रथम स्थान जो दे उसे हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति घमंड में है. और कोई बाइबल का एग्जाम्पल में लिखा है कि नाश होने से पहले घमंड होता है और घमंड सबसे ज्यादा खुदा को नापसंद है. ऑलराइट, सो बिल्कुल सही नीति वचन में लिखा कि परमेश्वर को सात चीजें पसंद है, उनमें से घमंड जो है परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और सचमुच में इससे पहले नाश आए या इससे पहले हम गिरे, घमंड इंसान के बीच में आता है. कौन सा ऐसा प्रमुख चरित्र है बाइबल में जिसने गिरने से पहले घमंड किया? पतरस. प्रमुख करेक्टर लूसीफर, राइट. सो हम प्रमुख करेक्टर को देखते हैं कि लूसीफर ही एक ऐसा है. किसी ने कहा कि अगर कोई घमंडी है तो वो लूसीफर के जैसा है, यू नो. इंग्लिश में तो उसे बड़ा अच्छी तरह से जो है दिया गया है. और उन्होंने कहा कि जो भी घमंडी है वो लूसीफर से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि लूसीफर घमंडियों का भी क्या है, बाप है. सो इसलिए जो घमंड है हम लूसीफर में देखा कि स्वर्ग की पाषाण में परमेश्वर ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया, उसे अच्छे पंख दिए, उसे अच्छी आवाज दी, उसे मणियों से जो है वो भरा था. और जब वो खूबसूरत भी था और सारे फरिश्तों के ऊपर उसे अधिकार दिया गया, उसने घमंड किया. और इसीलिए इज़ीकियल की पुस्तक में 14 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तूने क्या किया है, तूने घमंड किया है, इसलिए तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिराया गया है. सो उसने घमंड किया. और हम देखते हैं कि उसका घमंड क्या था. व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू डिफाइन प्राउड? लूसीफर की जिंदगी में प्राउड को किस तरह से आप देखेंगे, परिभाषा उसकी क्या देंगे? ऑलराइट, सो फिर हम देखते हैं सेल्फिशनेस, सेल्फ जो है वो प्रथम स्थान में जब आता है तो हम क्या हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं. किसी ने कहा रेस, प्लेस एंड फेस, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसान को घमंड देता है. कौन कौन सी तीन चीजें? रेस, आप कितनी उपाधि में हैं, प्लेस, कौन सी जगह में रह रहे हैं, फेस, आपकी खूबसूरती कितनी है. सो ये तीनों चीजें जो है वो घमंड को पैदा करती है. सो इसलिए इन तीनों चीजों पर हमें जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने आप को प्रथम जो है नहीं देना चाहिए. आइए देखिए संडे लेसन हम देखेंगे. संडे लेसन है मीकनेस ऑफ विजडम, विजडम इन मीकनेस. नीति वचन में बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय करना बुद्धि का आरंभ है. भय और बुद्धि, इसका तुलना जो है, इसकी समानता और इसका एक दूसरे के साथ मेल जो है वो समझ आता है. पर यहाँ पर टाइटल दिया गया है मीकनेस ऑफ विजडम, कि हलीमगी में भी क्या बुद्धिमता होती है या नहीं होती. आइए देखिए यकूब की पत्री उसका 3 और उसकी 13 आयत. कोई भी जन हिंदी में पढ़ दे. तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो कि वह अपने कामों को अच्छे जानकर उसे कुछ नम्रता से करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है. ऑलराइट, यहाँ पर शब्द आया है मीकनेस ऑफ विजडम, जो नम्रता से ज्ञान जो है वो आता है. पहली बात ये बोल रहा है कि वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है जो अपनी समझ को जताए. और वो समझ कैसे जताई जा रही है, कैसे जताई जा रही है? शो आउट ऑफ अ गुड कन्वर्सेशन हिज वर्क विद मीकनेस ऑफ विजडम. दो ऐसे शब्द है, एक नॉलेज है, एक विजडम है, राइट. एक होती है ज्ञान, एक होती है बुद्धि. ज्ञान और बुद्धि में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है, कोई भिन्नता है? बुद्धि परमेश्वर से मिलती है और ज्ञान दुनिया से मिलता है. ओके, और कुछ? बुद्धि परमेश्वर का है मानने से. ओके, और ज्ञान पढ़ने से मिलता है. वेरी गुड, ये भी डिफरेंस हो सकता है. और कुछ? बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस है? बुद्धि और ज्ञान में, ज्ञान से हम, ज्ञान वो दिमाग से पता होता है, लेकिन जो बुद्धि है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से पैदा होती है. ओके, या तो हम उसको
उसमें प्राप्त कर सकते हैं, संसार पुरुष को उसमें प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान, उसके और संसार में जी सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि है वो परमेश्वर यहोवा की तरफ से ही शुरू होती है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखें, अगर वरदानों को देखें, पवित्र आत्मा के वरदानों को, पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय में आप आएंगे, ज्ञान भी परमेश्वर देता है और बुद्धि भी परमेश्वर देता है। पर ज्ञान और बुद्धि में क्या मिलता है? ज्ञान ये है कि आप जानते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं या क्या कहना है। बुद्धि वो है कि आप जान जाते हैं कि आपको वो बात कब कहनी है। Are you with me? Alright? So knowledge is that you know what to say. But wisdom is you know when to say. कई बार ऐसा होता है कि आप नॉलेज जरूर रखते हैं पर आपको किसी चीज को बोलने के लिए कुछ तालमेल जो है वो समझ नहीं आता। सो कई बार मैंने देखा कि सैबस स्कूल लेसन स्टडी में जब हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लोग आउट ऑफ वे जाते हैं, यू नो, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं पर वो इन्फॉर्मेशन लाइक बेनिफिशियल नहीं होती, उसका कोई भी मजा नहीं होता। क्यों नहीं मजा होता? क्योंकि जो बात हम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान जो है वो नहीं आता। सो बुद्धि वो चीज़ है जो आपको ये बताती है किस समय आपको क्या बात जो है वो कहनी है। अगर आप ध्यान दें, पवित्र आत्मा का वरदान बुद्धि है, राइट? सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, घबराना मत जब कभी भी आप याजकों के सामने या सरदारों के सामने जाओगे तो घबराना मत कि क्या कहोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय बताएगा कि सही शब्द वहां पर क्या बोलने हैं। सो परमेश्वर का आत्मा बुद्धि है, परमेश्वर खुद बुद्धि है, इसलिए जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आता है, उसकी बुद्धि हमारे जीवन में आती है, तो फिर हम समझते हैं कि हमें जो है किस समय कौन सी बात कहनी है और फिर कौन सी बात किस समय कही जानी चाहिए। सो इसलिए बुद्धि और इन्फॉर्मेशन। एक बार जो है मैं किसी से बात कर रही थी और मैं उनसे कहने लगी कि चाय जो है वो पीनी अच्छी बात नहीं। उन्होंने सब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट? चाय जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, चाय में ये है, चाय में वो है, चाय आपकी जिंदगी में ये करता है, चाय आपको जो है थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को लिफ्ट अप करता है फिर उसके बाद डाउन कर देता है। ऐसे इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं थी, यू नो, मैं चाय नहीं पीती पर इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं थी जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। पर वो पता क्या कर रहे थे? वो मेरे सामने मेज पर बैठ के उस चाय को पी रहे थे। इज दैट विजडम? नो, इट्स नॉट विजडम। ओके, इंफॉर्मेशन और विजडम में जो है वो फर्क है। सो वाइज मैन क्या करेगा? बाइबल में लिखा, मती उसके 7 अध्याय में क्या लिखा है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनता और उस पर चलता है वो एक ऐसे मनुष्य के समान है। किस मनुष्य के समान? किस मनुष्य के समान? किस मनुष्य के समान? अरे मनुष्य कैसा है ये तो बताओ। राइट, एग्जैक्टली। सो जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर चल दिया उसको क्या कहा गया है? वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर जो है वो बनाया। वो चट्टान यीशु मसीह है और ये वचन जो उसने सुने वो किसके वचन थे? यीशु मसीह के जो है वो वचन थे। सो अब हम देखते हैं कि ह्यूमिलिटी और विजडम, नम्रता जो है वो कैसे बुद्धि को उत्पन्न करती है, कैसे नम्रता बुद्धि को उत्पन्न करती है। हमने ऑलरेडी सीख लिया बुद्धि इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। आप शायद ज्ञान रख ले पर बुद्धि वही, बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो उस ज्ञान पर चल दे। ऑलराइट, जस्ट इमेजिन कि आपके इंफॉर्मेशन आई है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है क्योंकि नेट के जरिए से, शायद आप अपने मोबाइल के जरिए से, किसी भी तरीके से, रेडियो के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है जलंधर में आज बहुत बड़ा भूकंप आएगा, सारी इमारतें जो है वो गिर जाएगी। सो अगर आप सुन रहे हैं, यू गॉट द इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान आपने पा लिया है, पर आप बुद्धिमान कब कहला जाएंगे? जब उसको सही तरीके से बताएंगे। इन्फॉर्मेशन और विजडम में डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन भी परमेश्वर का वरदान है, विजडम भी परमेश्वर का वरदान है, पर बुद्धि वही व्यक्ति है जो सुनकर क्या करता है, उस पर चलता है। अब ये बताइए मुझे, हलीमगी और बुद्धि में क्या क्या मेल है? क्या पे शब्द आया है? मीकनेस ऑफ विजडम, मीकनेस ऑफ विजडम। विजडम में मीकनेस का होना जरूरी है, हलीमगी का होना जरूरी है। एक इंसान को बुद्धिमान बनने के लिए हलीमगी का होना जरूरी है। जब तक नम्रता ना हो तब तक इंसान बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, जब तक नम्रता ना हो बुद्धिमान इंसान हो नहीं सकता। कैसे कह सकते हैं? प्रूव इट।
हलीम व्यक्ति कोई भी बात सोच समझ कर करेगा। ओके okay, हलीम व्यक्ति कोई भी बात सोच समझ के करेगा। सबसे पहले ये बताइए हलीम व्यक्ति होता क्या है? जो अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लेता है। जो अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लेता है। ओके वेरी गुड। जीरो का करने का मतलब कोई ऐसा करेक्टर है बाइबल में जिसने अपने आप को जीरो किया हो? वेरी गुड। सबसे प्रमुख करेक्टर जो है हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को शून्य किया? फिलिपियों की पुस्तक में 2 अध्याय में हम पाते हैं पौलुस कहता है जैसा मसीह का व्यवहार था वैसा ही तुम्हारा भी व्यवहार हो। उसने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया। उसने अपने आप को गरीब कर लिया ताकि तुम अमीर जो है हो जाओ। सो उसने कैसे अपने आप को शून्य किया? सबसे पहले अपने परमेश्वरता को छोड़ के इंसान बन जाना ये सबसे बड़ी नवता थी। ओके व्हाट डज इट मीन परमेश्वरता को छोड़ के इंसान बनने का? उसमें हलीमगी का पॉइंट बहुत निकालिए। बहुत बड़ा मतलब है कि अपने उस राजसम को छोड़ के जो उसकी असल जो सिंहासन है जो उसकी असल पोजीशन है उसको छोड़ के एक पापी मनुष्यों के बीच डेरा कर लेना। ओके और जैसा कि हम किसी कुत्ते से प्यार करते हैं और कुत्ते को बात सुनाने के लिए कुत्ता बन जाना। ओके और कितनी हलीमगी अपने आप को प्यार की हलीमगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए। ओके जस्ट अ मिनट। सो परमेश्वर तब को छोड़ के इंसान बनने में हम प्रेम को देखते हैं और कुछ देखते हैं? इसी पॉइंट में रहिए 2 मिनट। चेलों के पांव धोए वेरी गुड। शून्य कर दिया उसने अपने को। उसको भी ले लीजिए। चेलों के पांव धोने में क्या नजर आया उसमें? दया नम्रता और कुछ नम्रता क्या है यही तो ढूंढ रहे। राइट सो अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझना। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने परमेश्वर से अपने जैसा अपने जैसा नहीं अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। और फिर यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? उसने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा बल्कि हम सबको जो है उसने सब कुछ समझकर अपनी जान क्रूस पर जो है वो दे दी। सो अगर हम देखते हैं कि प्राउड सेल्फिशनेस है खुदगर्जी है तो फिर हम देखते हैं कि जो नम्रता है वो क्या है? वो क्या बना? प्राउड इज सेल्फिशनेस ह्यूमिलिटी इज सेल्फलेस। हिंदी में क्या बोलेंगे सेल्फलेस को? उसमें कोई भी स्वार्थ निस्वार्थ है। ऑलराइट सो अब डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। यीशु मसीह हमारे लिए प्रमुख एक करेक्टर है जो ये बताता है कि वो नम्र है। उसकी नम्रता हमें यही देखने को मिली कि वो तख्त छोड़कर जमीन पर आया। उसने अपने आप को शून्य कर लिया। शून्य का अर्थ यह है कि उसने आपको प्रथम स्थान नहीं दिया बल्कि पिता को प्रथम स्थान दिया क्योंकि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और जब वो अपना पुत्र देता है तो वो अपने आप को प्रथम नहीं जानता हुआ पिता को प्रथम जानता है। यू नो इसलिए जब गतसमनी में यीशु मसीह थे और जैसे ही उन पर सारा बोझ पापों का दुनिया का जो है उन पर आया तो उनके आंसू लहू बन गए उनका पसीना लहू बन गया तो वो यीशु नासरी पिता से क्या कहने लगे? पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो हम देखते हैं कि वो सेल्फलेस थे बिल्कुल ही निस्वार्थ थे। उनका अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था। अगर ध्यान दें यीशु मसीह जब तक इस धरती पर रहे उन्होंने कोई भी मौसा अपने लिए नहीं किया। वो कुछ भी कर सकते थे वो उड़ के भी दिखा सकते थे वो अपने आप को रॉयल यू नो राजघराने कपड़े में जो है वो लेकर आ सकते थे पर उन्होंने कोई भी मौजा अपने लिए नहीं किया। इवन कि जब क्रूस पे मर रहे थे तो तब भी वो कुछ ऐसा अचंभा करके जो है अपने आप को बचा सकते थे पर वी सी कि उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री में उनकी चंगाई की सेवा में भी हम ये देखते हैं कि बिना अपने लिए कुछ किए यीशु मसीह दूसरों के लिए क्या करता रहा? मौजे करता रहा पूरी रात भर प्रार्थना करता रहा रोजे प्रार्थनाएं उसने करता रहा और उसके बाद लोगों को बचाने के लिए वो चलता रहा। यू नो अगर आप ध्यान दें यूहन्ना 4 में हम पाते हैं कि वो जब चल रहा था तो उसे सामरी से होकर गुजरना जरूरी था। सो सामरी में क्यों गया? क्यों गया सामरी में? क्यों गया? क्योंकि उसे सामरी औरत को बचाना जो है वो जरूरी था। अब हमारा ट्यूसडे लेसन है आइए देखिए 2 kinds of wisdom, दो तरह की विजडम है। हमने पहले ये डेफिनेशन या डिफ्रेंशिएट किया विजडम और नॉलेज में क्या है डिफ्रेंशिएशन है। अब हम देखेंगे दो तरह की बुद्धि कौन सी दो तरह की बुद्धि यकूब की पत्री कहती है। आइए देखिए यकूब उसका 3 उसकी 15 और उसकी 16 आए जल्दी से निकाल दीजिए। हाँ जी यकूब 3:3-15-16 या तो वह
ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है वर्ग संसारिक स्वाभाविक और शैतानी है। ऑलराइट, अब यहाँ पर दो तरह के ज्ञान, दो तरह की विजडम, दो तरह की बुद्धि है, एक जो ऊपर से आती है और दूसरी जो इस धरती की है। ऑलराइट, बताइए मुझे जरा कौन सी ऊपर से आती है और कौन सी इस धरती की है। ये दो तरह की विजडम के बारे में जो है ये खूब बोल रहा है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जो धरती की बुद्धि ये है कि मैं इस धरती में से कुछ प्राप्त करके, कुछ हासिल करके दुनिया में बुद्धिमान इंसान बन के जीना चाहता हूँ, जिसका हासिल करना चाहता हूँ। और ये धरती की बुद्धि है जो हम परमेश्वर की उस परमेश्वर के उस जो आने वाला साम्राज्य है उसको हम नहीं जानते हैं, और सिर्फ इसी धरती के ऊपर अपनी अपनी निगाहें लगा करते हैं और यहीं पर ही अपनी अपने आप को बनाकर रखना चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा, ये बन जाऊँ, ये हासिल करना ही साथ जो संसार की बुद्धिमानी और संसार हस्ती है। लेकिन इसके उपरीत जो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करते हैं और हम हमेशा ताकते हैं आने वाले उस साम्राज्य को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, ये जो आकाक्षी। ऑलराइट, सो आइए देखिए कुर्सी उसका तीन, उसकी एक दो आयत जो है एक जन निकाल के रखें, वेरी गुड। और एक जो है गलतियों की पुस्तक उसका 5 और उसकी 19 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करें। कुर्सी उसका 3 उसकी 1-2, वेरी गुड, बिल्कुल सही जो है भाई रविंद्र ने कहा कि एक ऐसा विजडम है, एक ऐसी बुद्धि है जो हम खुद इस धरती के रहते हुए धरती के कामों से जो है उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर दूसरी बुद्धि है जो परमेश्वर खुद हमें देता है। पर आइए देखिए इसमें और थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि और संसार की बुद्धि में जो है वो क्या अंतर है। कुर्सियों उसका 3 उसकी 1 और दूसरा पद, और एक जन निकाले गलतियां उसका 5 उसकी 19। अपना मन पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ओके, सो अपना मन किस पे लगाओ? स्वर्गीय स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। ओके, सो स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी हैं? पवित्र आत्मा के दान सभी स्वर्गीय। ओके, आइए देखिए गलतियों उसका 5 उसकी 19 आयत पढ़ दीजिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ। आगे पढ़ दीजिए। डाक, मतवालापन, लीला की क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है, इनके विषय में है तुमसे पहले से कह देता हूँ, वैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ओके, सो अब पवित्र आत्मा के फल पढ़ दी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के काम जो है वो बताए गए हैं, एक शरीरी काम है, एक आत्मा के काम है। हम देखते हैं कि प्रेतों के काम में रोमियो की कलीसिया में, हम ऑलरेडी रोमियो की पत्री जो है उसे पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर हमने पाया कि जो शारीरिक है वो पाप को दर्शाते हैं और जो आत्मिक काम है वो आत्मा को दर्शाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह निकुदिमस से क्या कहने लगा, कह रहा जब तक कोई जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले वो स्वर्ग की बादशाह को देख भी नहीं सकता। सो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना यानी नए जन्म से जन्मना। फिर वो यीशु मसीह कह रहा जो शारीरिक है वो शारीरिक है, जो आत्मा से है वो आत्मा है। सो शरीर और आत्मा के काम ये दो तरह की बुद्धि को जो है वो दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ध्यान दें डिसाइपल्स में, चेलों में भी जो है ये फितरत पाई जाती थी। यीशु मसीह से आकर अपनी माँ को भेजता है यूकूब और यूहन्ना, अपनी माँ को भेजते हैं और कहते हैं जा जाके यीशु मसीह से पूछ कौन तेरे दाहिने और तेरे बाएं हाथ जो है वो बैठेगा। क्या ये शारीरिक बुद्धि थी या आत्मिक बुद्धि थी? ये शारीरिक बुद्धि थी, यू नो, ये आत्मिक बुद्धि नहीं थी। जब यीशु मसीह के पास पत्रस आता है और जब बातचीत होती है और पत्रस यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, और पत्रस कहने लगा प्रभु यीशु जैसे तुझे कोई ना ऐसे कर सके, यू नो पैराफ्रेज कर रही हूँ, कि ऐसा हो ना सके तेरे साथ कि तुझे पकड़वाया जाए, तुझे मारा जाए, तो यीशु मसीह उससे क्या कहता है, शैतान मुझसे दूर हो। तो कौन सी बुद्धि थी, वो ऊपर से थी या नीचे की थी? आत्मिक थी। अगर आत्मिक थी तो यीशु मसीह पत्र से क्यों कह रहा शैतान मुझसे दूर हो? राइट, सो वो धरती की जो है वो बुद्धि थी, क्योंकि वो यीशु मसीह की उस महान योजना को जो उद्धार की योजना था उसको जो है वो समझ नहीं पा रहा था और अपनी ही दिमाग की बुद्धि पर जो है वो
मनन कर रहा था। बाइबल में क्या लिखा है, नीति वचन में कहता, तू संपूर्ण तौर से परमेश्वर पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। सो कोई ऐसा राजा आपको याद है जिसने अपनी समझ का सहारा लिया? और हाँ जी ओके, साउल जो है एक ऐसा किरदार है जिसने अपनी समझ का जो है वो सहारा लिया। परमेश्वर ने कहा था कि होम बलि सिर्फ लेवी के घराने के लोग जो है वो चढ़ा सकते हैं, पर साउल ने क्या किया, साउल घमंड में आया, साउल ने सोचा ये अभी तक तो सैमुएल पहुंचा नहीं और मैं बहुत लेट हो रहा हूँ और मैंने जाके जो है लड़ाई करनी है, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि क्यों ना मैं ही वेदी पे जो है वो बलि चढ़ा दूं, और उसने चढ़ा दी। जब चढ़ाई तो क्या हुआ, सैमुएल आता है, सैमुएल उससे कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो क्या बोला, सैमुएल से बोलने लगा क्योंकि तू लेट आया और मेरे सैनिक जो है वो बहुत उतावले थे क्योंकि हमने जंग में जाना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। साउल ने कहा कि तूने गलत किया, तेरे से राज्य तेरा ले लिया जाएगा, और फिर जो है वो उसको पकड़ता है और उसका कपड़ा जो है फटता है, तो सैमुएल कहता है जैसे तूने मेरे कपड़े को फाड़ा ऐसे ही तेरा राज्य तुझसे फट जाएगा या तुझसे दूर कर दिया जाएगा। परमेश्वर फिर उसे एक मौका देता है, कहता जा जाके लड़ाई करके आ, और फिर उनका कोई भी बैल कोई भी जानवर जो है वो जिंदा लेकर मत आना, ना आदमी लेकर आना जानवर लेकर आना। तो क्या करता है साहब, और फिर बैलों को, अच्छे अच्छे बैलों को या मेमनों को या हम कहते हैं कि गाय को, मतलब कैटल्स को जो है वो लेकर आया, और जब लेकर आया सैमुएल फिर जाता है और फिर उसे क्या कहता है कि क्या तूने वो सब कुछ कर दिया, कहता है जो कुछ तूने कहा था सैमुएल जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे मैंने कर दिया। साथ में मिनमिनाने की आवाज आती है, तो बोला ये तो हम बलि चढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मेमने अच्छे अच्छे बकरे जो है या बैल जो है वो लेकर आया है, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये ऊपरली विजडम थी या नीचे वाली विजडम थी? नीचे वाली विजडम थी। ऊपरली विजडम फिर क्या हुई, अगर ये धरती का ज्ञान था तो फिर ऊपर से जो ज्ञान आता है वो कौन सा होगा, जो जैसे ऊपर से जो हमें मछली मिलता है उसके मुताबिक ही चलते हैं, तो वेरी गुड। सो मैं बिल्कुल राइट हूँ जब ये शब्द मैं दोहराती हूँ बार बार, मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 24 आयत में हम देखते हैं कि जिसने भी सुनकर उस पर चल दिया वो मनुष्य क्या है, बुद्धिमान मनुष्य है, और बुद्धि कभी भी घमंड को लेकर नहीं आती। क्यों नहीं घमंड को लेकर आती, क्योंकि बुद्धि उसी के पास है जो अपने आप को हलीम करके रखता है। दाऊद को अगर देखें, दाऊद जो था, सुलेमान को देखे, सुलेमान दाऊद का बेटा सुलेमान जो था, सुलेमान सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जो है बाइबल में कहलाया गया, पर कैसे बुद्धिमान वो बना, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। ओके, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और कुछ, हाँ जी, उसकी आज्ञाओं पर चला। ओके, और कुछ, उसने परमेश्वर के लिए परमेश्वर को पहल दी और उसके लिए उसका परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसने परमेश्वर को प्राथमिकता दी। ओके, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, उसका भवन बनाया, और कुछ, उसे बुद्धि कैसे मिली, जब उसको परमेश्वर उसको स्वप्न में दर्शन दिया और बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो वहां से अपने लिए जमीनी आशीष मांग सकता था, पर उसने जमीनी उसकी बदौलत बजाय उसने उसने परमेश्वर का भय माना, और कुछ, उसने मांगी बुद्धि, और कुछ, इससे पहले वो मांगता क्या कर रहा था, प्रार्थना करके। ओके, उसने क्या प्रार्थना की, उससे पहले क्या शब्द बोला उसने, तेरे राज्य, हाँ, मुझे बुद्धि की जरूरत है, बालक की कराऊंगा, राइट, वेरी गुड, उसने अपने आप को बालक कहा और क्या कह रहा था, राइट, उसने अपने आप को इतना हलीम कर दिया, हालांकि वो राजा बन गया था, पर परमेश्वर से क्या कह रहा, प्रभु मैं तो बच्चा हूँ और तेरी इतनी बड़ी संतान को कैसे मैं चला सकता हूँ। सो उसने इतना अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम किया, अपने आप को सेल्फलेस करके शून्य करके परमेश्वर के पास जब आता है तो परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ उसकी हलीमगी से कि उसके सामने दर्शन देकर उसे कहने लगा कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए कि मैं तुझे दूँ। और सुलेमान भी जो है बहुत खूबसूरत था कि हलीमगी ने उसके जीवन को ऐसे तब्दील कर दिया था, यू नो, व्हेन यू बिकम हम्बल इट ट्रांसफॉर्म्स यू।
किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। जब आप हम्बल या हलीम होते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सैटनिक नहीं हो जाती, यू नो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन गॉडली हो जाती है। आप परमेश्वर तब के या परमेश्वर के स्वरूप में जो है वो बदलते हैं, ना कि शैतान के रूप में जो है वो बदलते हैं। इसलिए हम शुरू से देख रहे हैं शैतान का करैक्टर है कि वो घमंडी है, ओके, परमेश्वर का करैक्टर है कि वो हलीम है। और जब हम घमंड करते हैं तो हम शैतान से बढ़करनी या शैतान के जैसे जो है वो दिखते हैं, पर जब हम हलीम होते हैं तो किसके जैसे दिखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखते हैं। जब हलीमगी हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन को किस में, किसकी सूरत में ढाल देती है? प्रभु यीशु मसीह की सूरत में जो है वो ढाल देती है। सो उसका ढलना, जब वो हलीम अपने आप को कर लेता है, शून्य कर लेता है, हर एक प्रार्थना को अगर आप देखें, चाहे दानिय्येल की प्रार्थना को देखें, चाहे आप नहमाया की प्रार्थना को देखें, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन्होंने हलीम कर दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर, यू नो व्हाट इज हम्बलनेस, हम्बलनेस सेज दैट यू कम टू नो ट्रूली हु यू आर, यू हियर मी, एंड यू कम टू नो ट्रूली हु गॉड इज। इंग्लिश में बताएं, हिंदी में इस तरह से है कि हलीम इंसान वो है, अब बेलना और बजाना क्रिस्टोफर मुझे पता है, ओके, सो हलीम इंसान वो है जो सचमुच में ये जान ले कि मैं कौन हूँ और सचमुच में ये जान ले कि परमेश्वर कौन है। और जब वो सचमुच में जान लेगा कि मैं कुछ भी नहीं और परमेश्वर सब कुछ है, उसी को हलीम कहते हैं। आमीन। सो इसी को हलीम कहा जाता है और किसी चीज को हलीम नहीं कहा जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं हलीम वो व्यक्ति है जो कमजोर हो, गरीब हो, मातर हो और उनमें कुछ भी अच्छाई ना हो, उन लोगों को सोचते हैं कि हलीम है। हलीम वो लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑलराइट, हलीम वो लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हुए भी अपने आप को जीसस के सामने क्या करते हैं, आई एम नोबडी। एक नम्रता की उदाहरण छोटी सी बाइबल में जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, और वो एक गैर यहूदी औरत थी। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास से गुजरे तो उसने बोला कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को उसकी जो नम्रता का जो पाठ पढ़ाने के लिए उसको बोला था कि जो जो खाना है वो बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं दिया जाता, तो वो इस बात से खबर नहीं हुई। अगर मैं होता तो शायद मैं खबर जाता, कहता कि ये साधु कैसा है, ये भी ऐसे बोलता है। तो वो बोली कि स्वामी जो मेज के नीचे जो कुत्ते रहते हैं वो भी वहाँ से गिरा, जो गिरता है वो चोर उसको खा के तृप्त हो जाते हैं। वेरी गुड। सो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, कैसे आप किसी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो हलीम है? अगर आप उनकी बुराई करते हैं उनके मुंह के सामने, आपको उनके रिएक्शन से पता लग जाएगा इज ही प्राउड और हम्बल, यू नो। अगर आप उनको करेक्ट कर दें और वो कहें कि व्हाट डज इट मीन, यू नो, एक्सेप्ट करने की कोशिश ना करें, तो उसे क्या कहा जाता है कि वो प्राउड है, वो घमंडी है। पर जो अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, उसे क्या कहा जाता है कि ये इंसान जो है वो हलीम है। बिल्कुल राइट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दी। सो इसलिए चार और उसके साथ में परमेश्वर क्या कहता है, आइए देखिए यकूब की पत्री उसका चार उसके साथ आए, ये हमारी आखिरी आयतें होंगी और उसके बाद हम बंद कर देंगे। कोई भी जोर से 7-8-9 पढ़ दे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से बाहर निकल। जस्ट अ मिनट, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आपको इतना मालूम है कि अगर यीशु मसीह सब्र वाला परमेश्वर है तो शैतान में कोई सब्र नहीं है, ओके। अगर आप एक बार असिस्ट करेंगे, दो बार असिस्ट करेंगे शैतान को, उसके बाद इतना टाइम नहीं है, उसके बाद इतना सब्र नहीं कि आपके ऊपर ही लगा रहेगा, वो क्या भाग यहाँ से, चल मैं दूसरे को जाके पकड़ता हूँ, यू नो। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह के अधीन होके अपने आप को शून्य कर लेते हैं और यीशु के उस करेक्टर को जो है वो दिखाते हैं और फिर असिस्ट करते हैं, यानी उसका सामना करते हैं शैतान का, तो शैतान ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिकता, वो क्या होता है, भाग जाता है। इसलिए दानिय्येल अगर पहली आजमाइश में, जब खाने की आजमाइश थी, अगर उसमें ना खड़ा रहता तो शैतान ने उसे दबोच लेना था, पर जैसे उसके ऊपर पहली आजमाइश आई तो शैतान को उसने क्या किया, परमेश्वर के वो अधीन हो गया, शैतान का उसने सामना किया। अधीन कैसे हुआ, उसने परमेश्वर की बात को माना, ओके, उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने कहा मेरी अकल बिल्कुल निर्बुद्ध है, परमेश्वर की अकल के अनुसार जो है मैं काम करूंगा, परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है। यूसुफ ने भी ऐसे ही सोचा, यूसुफ ने कहा परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार नहीं करना, सो मैं इस औरत के साथ कैसे लड़ सकता हूँ, परमेश्वर के विरोध ये कैसा पाप कर सकता हूँ। तो उसने परमेश्वर की बुद्धि को जब लेकर काम किया तो वो क्या हुआ, सफल हुआ, उसने सामना किया शैतान का, और शैतान क्या हुआ वहां से चला गया, वो उस टेम्पटेशन से, अजमाइश से जो है वो रफा दफा जो है वो हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा कह रहा है कि तू परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर
तो शैतान खुद ब खुद क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। जब हम अपनी अकल का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर की अकल का सहारा लेते हैं तो फिर कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। सो इसलिए परमेश्वर ने जो 10 हुक्म हमें दिए हैं ये उसकी बुद्धि है। अमेरिका के प्रधान ने एक बार इस तरह से कहा, कहता कि क्योंकि हमारा देश आजाद है, पहली 4 आयत जो आज्ञाएं हैं उस पर हम कोई भी कमेंट्स जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी समय मान सकते हो। कौन आपका भगवान, आप अपने भगवान के बारे में बोल सकते हैं। पर जो 6 आखिरी हुक्म है वो हमारे सिद्धांतों में जो है वो जमे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 हुक्म जो है वो बिल्कुल मान योग्य है, इन्हें मानने योग्य है, क्योंकि इनके बिना कोई भी राज्य जो है वो आराम से चल नहीं सकता। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका एक ऐसा राज्य है जो सबसे सुपर पावर बन चुका है। क्यों? क्योंकि उनके कोर्ट्स में, उनके सिद्धांतों में परमेश्वर के 10 हुक्म जो है वो लगे हुए थे। वो 10 हुक्म क्या है? परमेश्वर अपनी बुद्धि उसने हमें दी, और अगर हम व्यवस्था विवरण 6 उसकी 4 में देखें तो उसमें लिखा कि तुम्हें देख कर इज़राइली कौम को कह रहा है, तुम परमेश्वर के स्टैट्यूट्स, उसकी कमांडमेंट को सुनते हो, और जब तुम उसको मानते हो तो लोग ये कहते हैं कि ये राज्य कितना ही बुद्धिमान राज्य है। सो उसके हुक्मों पे जो इंसान चलता है वो अपनी अकल का सहारा नहीं लेता, बल्कि किसकी अकल का सहारा ले रहा है? परमेश्वर की अकल का सहारा ले रहा है। और जब वो अकल का सहारा लेता है तो उसका अर्थ क्या है? लिखा है कि तुम एक बुद्धिमान राज्य के समान बन जाते हो। जो घर, जो कलीसिया, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, वो व्यक्ति, वो घर, वो कलीसिया क्या है? बुद्धिमान कलीसिया बन जाती है, जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे बनाया। सो इसलिए 8वीं आयत पढ़िए, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। प्रोडिगल सन, अगर आपको ध्यान दें, जैसे ही उसका बेटा उसके पास आ रहा था, जो उसका बाप था वो भाग कर जो है उजाड़ू पुत्र के पास जो है वो पहुंचा। यू नो, सेम एग्जाम्पल यूकूब यहाँ पे बता रहा है। यूकूब यही कहने की कोशिश कर रहा है, एक कदम बढ़ाओगे परमेश्वर 100 कदम तुम्हारी तरफ जो है वो बढ़ा देगा। इसका अर्थ ये है परमेश्वर आपकी इंतजार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, कि जब आप एक कदम भी उसके लिए रख देते हैं तो परमेश्वर पूरा सम्मान आपके लिए जो है वो दे देता है। यू नो, परमेश्वर अपना सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी लुटा के दिखा चुका है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। अगर वो प्यार ना होता तो क्रूस भी आज ना होती। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है? पढ़िए मेरे साथ 8वां पद। परमेश्वर से निकटता हो तो वह तुम्हारे लिए कार्य करेगा, पापी हो अपने हाथ से भी करो, तो हे जितने लोग अपने हृदय को पवित्र करो। ओके, वेरी गुड। अगले 9वीं आयत, क्योंकि वह जो शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा गम उदासी में बदल जाए, प्रभु के सामने तीन करो तो वह तुम्हें शोक। ओके, यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने दिल को साफ करो, रो, चिल्लाओ, पीटो, तो उसका अर्थ क्या है? इट्स नथिंग एल्स। ये नहीं चाह रहा कि आप रोना शुरू कर दें, उसका अर्थ ये है रिपेंट फ्रॉम योर ऑल सिंस। अपने पापों से क्या करो? तौबा करो, पश्चाताप करो, और फिर मुड़कर यीशु के पीछे आओ। अब पिछली आयतों से अगली आयत में चले, जब रिपेंट करते हैं, यीशु की तरफ जाते हैं, यीशु हमारे करीब आ जाता है, हम अपने आप अपना समर्पण यीशु के समीप यानी उसके सामने जो है पूरा तौर से कर देते हैं, तो परमेश्वर खुद हमारे आगे खड़ा हो जाता है, तो शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। Are you with me? समझ आई मेरी बात? अगर 7 से हम 10 में जाएं, अब 10 से मैं 7 में जा रही हूँ, यू नो, आप रिपेंट कर रहे हैं, तौबा करते हैं, तौबा करने के बाद आप यीशु की तरफ मुड़ते हैं, यीशु खुद आपकी तरफ दौड़ा चला आता है। जब वो दौड़ा चला आता है, अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे देते हैं, यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हो जाता है, शैतान का सामना हो जाता है, और शैतान क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली आपसे भाग निकलता है। सो इसलिए बाइबल में लिखा, हलीम हो जाओ, वो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा, वो आपको उठाएगा, और उसका उठाना सबसे बढ़िया उठाना होता है, क्योंकि जिसको वो उठा दे उसको कोई गिरा नहीं सकता, तो जिसको वो गिरा दे उसको कोई उठा नहीं सकता। तो आइए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हम हलीम होते हैं, तू हमें उठा। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको उठाए, आज सबत के दिन परमेश्वर आपको ऐसा उठाए कि आप कभी भी गिर ना पाए, अपने पैरों पर खड़े हों और प्रार्थना करें।